अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ है सामने कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा वही था बस। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर अपने सबसे बुरे समय और भयावह दौर का सामना कर रहा है। डर, मौत और मातम का माहौल है। गलत नीतिगत फैसलों और राजनीतिक मंशा के चलते दशकों बाद कश्मीरी पंडित जान गंवाने के डर से एक बार फिर घाटी से पलायन कर रहे हैं। ऐसा ही पलायन 1990 में हुआ था और उस समय भी केंद्र में भाजपा के समर्थन वाली सरकार थी। मौजूदा समय में सवाल उठता है कि कहाँ है गृह मंत्री शाह और प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने घाटी में शांति और समृद्धि का वादा किया और अब सब कुछ नष्ट कर दिया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि स्थिति 1990 के दशक से भी ज्यादा खराब है। सरकार बात करने को तैयार नहीं है और हमेशा की तरह झूठे और खोखले वादे कर रही है और जमीन पर स्थिति को संभालने में असमर्थ है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कश्मीर में काम करने वाले सरकारी और निजी कर्मचारियों की भीड़ लग गई है। हर कोई जल्द से जल्द कश्मीर घाटी छोड़ना चाहता है, वहां से निकलना चाहता है। पीएम रोजगार नीति के तहत काम करने वाले लगभग 60% कर्मचारी पहले ही जा चुके हैं और बच्चों को घाटी के बाहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने ही कश्मीरी पंडितों को आवास और नौकरी दिलाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए थे। आज विज्ञापन जीवी सरकार ने उस प्रयास को भी विफल कर दिया है। क्या सरकार में मौजूदा हालात पर फिल्म बनाने और दुनिया को दिखाने की हिम्मत और ईमानदारी है?